नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से बच्चों का पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो रहा है, ठीक है, उनका सिलेबस काफ़ी पीछे छूट रहा है। तो ताकि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आपका ज़्यादा नुकसान ना हो, तो इसलिए हम लोगों ने क्या प्लानिंग करी है आप लोगों के लिए कि हम लोग एक वीडियो आप लोगों को बना के देंगे और ये वीडियो आपको डेली ही देखनी है, और जिससे क्या होगा, आपका थोड़ा कम नुकसान होगा, आप इस नुकसान की भरपाई कर पाएंगे, ठीक है। सो आज की फ़िलहाल की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली मैथ के बारे में, ठीक है। तो मैथ में हमारा क्या सिलेबस रहेगा, हमारा आगे कैसे हम लोग पढ़ाने वाले हैं, राइट। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो गाइस, आज हम बात करेंगे मैथ के बारे में, ठीक है। तो देखो मैथ में क्या है, मैथ में हम लोग जो कराएंगे, देखो हम लोग कराएंगे सबसे पहले हम एनसीईआरटी कंप्लीट कराएंगे, राइट। एनसीईआरटी कंप्लीट कराएंगे, इसके बाद हम लोग होता है हम लोगों का एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो आपको मैथ में एनसीईआरटी पूरी कराई जाएगी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए जाएंगे। अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन का सोर्स क्या होगा, देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन का सोर्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। जैसे देखो इसका सोर्स फर्स्ट होगा आर डी शर्मा, राइट, सब जानते हैं आर डी शर्मा, ठीक है। सेकंड होगा इसका सोर्स आर एस अग्रवाल, ठीक है। थर्ड होगा, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल जो सीबीएसई होती है वो हर बार एक सपोर्टिंग मटेरियल बच्चों को देती है, ठीक है। तो वो सपोर्टिंग मटेरियल काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमारे पास सपोर्टिंग मटेरियल भी कराया जाएगा। एंड थर्ड होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। सो ये सारी चीज़ें एक फिल्टर्ड फॉर्म में, राइट, मतलब ज़्यादा कचरा नहीं पढ़ना में, जो एग्ज़ाम में आता है ज़्यादा, जिसके चांसेस हैं या जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो हर चीज़ तुम्हें कराई जाएगी। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे, इन सब से सारी चीज़ें तुम्हारा कवर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई जो सीबीएसई का जो पैटर्न है मैथ का वो कैसा है। सो बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। जैसे कि मैथ जो होगी वो दो फॉर्म में होगी, ठीक है। एक होगी तुम्हारी बेसिक, बेसिक मैथ, ठीक है, और दूसरी होगी एडवांस मैथ। अब देखो बेसिक का मतलब बच्चे कभी कभी समझते हैं कि जोड़ और घटा गुणा, ये तो बेसिक मतलब ये सब नहीं है, ठीक है। बेसिक मतलब क्या है, जो तुम्हारी एनसीईआरटी, ठीक है, जो एनसीईआरटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, तो उसी के बेस पे क्वेश्चन पेपर बनेगा, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बात करें एडवांस की, तो देखो एडवांस में आप लोगों को एनसीईआरटी तो करनी ही है, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करने हैं। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन द सेंस आर डी शर्मा के क्वेश्चन, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन, सपोर्टिंग मटेरियल के क्वेश्चन, सपोर्टिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों से भी ज़्यादा, ठीक है। और फोर्थ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, तो इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ कि जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कराते हैं, ठीक है, उससे बाहर कभी कुछ नहीं आज तक आया और ना ही आएगा, ठीक है। जो हमारे ऑफलाइन बैचेस होते हैं वहाँ बच्चे जानते भी हैं, ठीक है। सो इसमें ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आज हम नई क्लास पढ़ने वाले हैं, क्लास वन, जो मैथ का आपका सिलेबस होगा, ठीक है। सो मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक यू।